नमस्कार दोस्तों, रीड आईज में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति से संबंधित इस अगली कड़ी में हम लोग आज बातचीत करेंगे ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर 87 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बातचीत किया था कि किस तरीके से नीलम संजीव रेड्डी गठबंधन के दिनों में तो पावरफुल रहे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता की सुई वहाँ से हट करके प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ गई। अब जब 82 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने तो सामने इंदिरा गांधी थी। एक तो बहुत ही बड़ा ग्लोरियस रिकॉर्ड 67 से 77 उनका रहा था पहले से ही। उसके बाद अभी इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने कोई भी नया कोई जो इस लेवल पर हो, बहुत विरोध का उसको अवसर मिल नहीं पाता है, ऐसा जैसी स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के साथ कभी कोई विवाद उनका नहीं हुआ, ऐसा जल्दी आप सुने नहीं होंगे। जैसे ही ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है तो राजीव गांधी का बैकग्राउंड म्यूजिक से विवाद का विषय सामने आने लगता है। लेकिन जब श्रीमती गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद राजीव गांधी आए और वो बड़े अंतर्मुखी व्यक्तित्व के थे, तो देख करके उन्हें ऐसा लगता नहीं था कि इतने सशक्त व्यक्ति होंगे। किंतु राजीव गांधी भारत के सबसे नवाचार करने वाले, देश को यू टर्न, एल टर्न, जे टर्न, आप जो भी समझें, देने वाले प्रधानमंत्री थे। सिविल सेवा की तैयारी करने के दौर में आप कई जगह जो पहल आप देखेंगे वो राजीव गांधी से ही आपको नजर आएगा। जैसे LPG पैराडाइम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, ये सब उन्होंने ही शुरू किया। जैसे सबसे पहले 1985-86 में अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बनाई, MOU की नीति पर चले, कंप्यूटर, पंचायती राज, इसरो में रिफॉर्म करना, ह्यूमन रिसोर्स के लिए मंत्रालय बनाना, मानव संसाधन मंत्रालय उन्होंने गठित किया, कार्मिक मंत्रालय बनाना, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करना। आज सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म का मामला इतने लंबे समय से लटका हुआ है। 1986 में 3 अटेम्प्ट होते थे, उसको राजीव गांधी ने घटा करके 2 अटेम्प्ट कर दिया था। तो बड़े ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिफॉर्मिस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में पहल किया। आज बेनामी प्रॉपर्टी के लिए बातचीत चल रही है तो 1988 में बना चुके थे कानून, यद्यपि उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया, शायद अगले फेज में होते तो होता। तो एक बड़े सुधारक, पहलकर्ता प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब वो ज्वाइन किए होंगे ऑफिस में, उस समय ये बात शुरू में समझ में नहीं आई। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विवाद के कुछ दौर रहते हैं। तो इसमें एज, आयु भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को लगा कि अब ये उतने प्रभावी नहीं हैं तो राष्ट्रपति का सिक्का यहाँ पर चल सकता है, किंतु ऐसा पूर्णतः हो नहीं पाया। उसका कारण है लोकसभा में बड़ा बहुमत का होना, क्योंकि राजीव गांधी को इतना बड़ा बहुमत मिला जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ज्ञानी जैल सिंह के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ चीज़ों में वो हस्तक्षेप किया करते थे। जैसे उच्च स्तरीय नियुक्तियां, जैसे न्यायाधीश की नियुक्तियों का मामला बहुत पहले से चला रहा है, तो न्यायाधीश की नियुक्तियों के संदर्भ में कोई सरकार स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती है? राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में क्यों नहीं उनसे पूछा जाता है ठीक से? तो कई चीज़ों में स्पष्टीकरण मांगा करते थे। चुनाव आयोग को भी डांटते थे, चुनाव आयुक्त को बुला करके कहते थे कि कई चुनाव आप एक साथ क्यों नहीं कराते हैं, आप क्यों मतलब पॉलिटिकल प्रभाव में कोई चुनाव करा रहे हैं, वो इस तरह से बात किया करते थे। तो एक बड़े सशक्त व्यक्तित्व के वजह से, और चूंकि कार्यप्रणाली उनकी ऐसी थी, वो थे गंभीर व्यक्तित्व के और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे, तो कोशिश करते रहते थे कि जहाँ भी मौका मिले, एक जगह भी उनको मिल जाए गवर्नेंस में, तो अपना काम कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत कुछ हो नहीं पाया। उसका कारण बड़ा बहुमत ही होता है, मुख्य कारण अगर देखें तो। अब उन्होंने एक मामला उठाया ज्ञानी जैल सिंह ने, आर्टिकल 78 का, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य भूल गए हैं कि वो क्या फैसले कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपति को बताना है। कानून बनाने के लिए जो पहल कर रहे हैं वो भी राष्ट्रपति को बताना है, और कोई मंत्री उनका व्यक्तिगत रूप से फैसला किया है और राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद में विचार करना है, तो वो अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। तो जैसे ही ये बात उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जवाब आया कि अनुच्छेद 78 में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है
कि ये सारी सूचनाएं प्रधानमंत्री कितने समय में प्रस्तुत करेंगे और सशरीर उपस्थित होकर के करेंगे, इसलिए ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। यह प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है कि वह कब ये बात जाकर के राष्ट्रपति को बताएंगे, और सशरीर उपस्थित होने की कोई बातचीत नहीं है। तो उन्होंने हॉटलाइन लगवा दिया और बड़े ही कम मिलने वाले राष्ट्रपति से वो प्रधानमंत्री साबित हुए। हार्डली, जैसा कि पॉलिटिकल पंडित बताते हैं, कि हार्डली 2 या 3 बार ही राजीव गांधी की मुलाकात राष्ट्रपति से हो पाई इस मामले को लेकर के। किसी औपचारिक मीटिंग में हुई होगी, लेकिन ये कर्तव्य निभाने वाला जो विषय है आर्टिकल 78 का, तो इस तरह से विवाद इनके सामने रहा। उसके बाद एक डाक संशोधन का मामला है। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 111 के तहत कि जब दोनों सदन से कोई विधेयक पारित होकर के आता है तो राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ती है कि वो सहमति दे रहे हैं या नहीं, और अगर वो धर्म विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजते हैं। यह ध्यान रहे कि वीटो पावर जो राष्ट्रपति का है उनका वो विवेकाधिकार नहीं है, मंत्रिपरिषद के कहने पर ही कुछ भी होता है। तो डाक संशोधन विधेयक के बारे में कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह के पॉकेट में रह गया, तो पॉकेट में रहने से पहले पुनर्विचार के लिए भेजा गया होगा, यह पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री के कहने पर ही भेजा जाएगा। तो ऐसे वो विधेयक ही कुछ ऐसा था, डाक कर्मचारी के वजह से, उनके आलोचनाओं के वजह से प्रधानमंत्री खुद कन्विंस होने लगे थे। और फिर जब वापस वो आया तो चूंकि विवादित विषय था, प्रधानमंत्री भी उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते, तो इसलिए उनके पॉकेट में रह गया। यह कोई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अपने सत्ता का अभ्यास कर दिया और अपने मन से उसको उनको पॉकेट में रख लिया। अगर वो आर्टिकल 74 के तहत अगर प्रधानमंत्री के तरफ से कुछ सलाह भेजा जाता कि इनको आज ही साइन करिए, तो करना पड़ता राष्ट्रपति को, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो संविधान का उल्लंघन समझा जा सकता था, और मे बी आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट प्रोसेस भी शुरू हो सकता था। लोकसभा में बड़ी बहुमत थी, वहाँ पर हो सकता था राष्ट्रपति की बदनामी होती। तो ये इसको इस नज़र से देखें, पूरी बात उसको इस तरह से समझें कि खुद प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं इससे कन्विंस रहे होंगे, तभी जाकर यह हो पाया। अदरवाइज कोई राष्ट्रपति इतने बड़े बहुमत वाले प्रधानमंत्री के सामने ऐसा नहीं कर सकता है। विदेश यात्रा करना और बहुत ऐसे औपचारिक यात्राएं होती हैं जो राष्ट्रपति को करनी पड़ती हैं, किंतु राजीव गांधी के आने के बाद राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं में बहुत कर्टेलमेंट किया गया। बहुत ही कम विदेश यात्रा, ऑलमोस्ट सिर्फ 4 विदेश यात्रा ज्ञानी जैल सिंह के तरफ से देखने को मिलता है। यह भी प्रधानमंत्री कार्यालय के राष्ट्रपति सचिवालय पर बढ़ते सशक्त प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए इस दौर में राष्ट्रपति ने प्रयास तो किया अपने सत्ता को बढ़ाने का, लेकिन सत्ता की सुई जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ ही अत्यधिक देखने को मिलती है। तो ये एक दौर है। अगले एपिसोड में हम लोग फिर बात करेंगे अगले राष्ट्रपति के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।